तो यादव समाज से ओबीसी अति पिछड़ा डरता है, क्या वो डर चला जाएगा? अखिलेश और गुंडाराज नहीं, अब आप इस तरह की बातें सुन गांव में होती है ना? हाँ होती थी पहले। क्या बदला? पहले राजपूत ब्राह्मण से डरते। जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इंडिया टीवी के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया के लिस्ट में इंडिया टीवी का नाम काफी शीर्ष पायदान पर आता है, जिसका प्रेसिडेंट रजत शर्मा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की चाटुकारी करता है, इससे पूरा देश वाकिफ है। आज मैं इंडिया टीवी के बारे में दोस्तों इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इंडिया टीवी की यादवों के प्रति नफरत एक बार फिर से सामने आई है। कुछ महीने पहले भी इंडिया टीवी की नफरत यादवों के प्रति हम सभी लोगों के बीच में आई थी और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल एक चुनावी कार्यक्रम चल रहा था इंडिया टीवी के ऊपर, जिसमें इंडिया टीवी ने ओम प्रकाश राजभर जी को आमंत्रित किया था। बात होनी चाहिए थी जो चुनावी मौसम चल रहा है, राज्य में जो चुनावी मुद्दे हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से इंडिया टीवी का रिपोर्टर बार बार एक ही बात, एक ही चीज़ की रट लगाए हुआ था। उसका बार बार कहना था कि भैया जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो यादव समाज के लोग गुंडागर्दी करने लगते हैं। ओम प्रकाश राजभर बार बार इस मुद्दे से बच रहे थे, बार बार वो दूसरे मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार घूम फिर कर इंडिया टीवी का रिपोर्टर एक ही बात ओम प्रकाश राजभर से करने की कोशिश कर रहा था। वो ये चाहता था, ये साबित करना चाहता था कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो यादव समाज के लोग गुंडागर्दी करते हैं। क्या कुछ कहा इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद इस मुद्दे के ऊपर और भी विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। एक सवाल आपसे जरा हटके गाँव का पूछ लेते हैं, आप गाँव देहात के आदमी है, गाँव में कौन जात बा? यादव बड़े दबंगई से पूछता है और अति पिछड़ा जो है वो हिचक के जवाब देता है, और आप अब यादव के साथ हैं। आपकी राजनीति जो पार्टी बनी वो इस बात पे बनी कि एसपी में यादव समाज ने कब्जा कर लिया, अब फिर उनके साथ जा रहे हैं, तो क्या आपको हिस्सा मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जिसकी आप बात करें, जिसके आप पार्टी बनाई? क्या यादव समाज में क्या बदलाव आया? गांव में आ जाते हैं, देखिए आपने जमीन वाली बात नहीं बताई। हाँ बता रहा हूं, यादव समाज से ओबीसी अति पिछड़ा डरता है, क्या वो डर चला जाएगा? अखिलेश और गुंडाराज नहीं, अब आप इस तरह की बातें सुन गांव में होती है ना? हाँ होती थी। कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इस बात को यादव समझा, इस बात को शेड्यूल कास्ट समझा, और समझ करके वो सत्ता पे चार बार गया। अब आगे आ जाइए, उत्तर देता हूं। उसी गांव में, उसी गांव में कहावत बदल गई, उत्तर दे, यादव बन गया ठाकुर। यही बतिया मैं बता रहा हूं कि ठाकुर को दबा दिया अहिर, अब तो वो ठाकुर बन गया। हाँ यादव ठाकुर बन गया। इस बात की खबर जब मुझे लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इस नाते लगा कि चलो अब भाई से मजा आएगा लड़ने में। भाई हम पिछड़ी जाति का, भले वो ठाकुर बन गया लेकिन है तो पिछड़ी जाति का। जब हम आप अध्ययन करिएगा, जब हमारी मुलाकात अखिलेश जी से होती है, 3 साल के अंदर वो परिवर्तन लाया हूं गांव में, अगर पता करिएगा। आज यादव भाई हमारे राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्ला को, प्रजापति को, कुम्हार को, बिंद को, धरिकार को, पासी को, चमार को, आरक को, अर्कबंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार को, जो अति पिछड़ा उठ है, आज उसको प्रेम से कहता है, कहो राजभर जी का हलवा, कहो प्रजापति जी का हलवा। तो दोस्तों पूरी बातचीत आप लोगों ने सुनी और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इंडिया टीवी का रिपोर्टर एक ही चीज की रट लगाए हुए था, एक ही जाति को टारगेट करने का काम कर रहा था। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसे दलाल मीडिया लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर केवल यादव बाहुबली ही होते हैं? क्या यादव ही गुंडे होते हैं? क्या दूसरी जाति के अंदर कोई गुंडा नहीं होता? क्या दूसरी जाति के अंदर कोई बाहुबली नहीं होता? दोस्तों आज की डेट में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, राजपूत जाति से आते हैं, और अब तो उन्होंने इस बात को कबूल भी कर लिया है कि वो राजपूतों की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की राजनीति अब वो नहीं करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, किस प्रकार से उनके जाति के लोग इस प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कुलदीप सेंगर, जो कि योगी आदित्यनाथ की जाति से आता है, राजपूत जाति से आता है, एक औरत का, एक लड़की का बलात्कार कर देता है, इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो उसके परिवार वालों को ट्रक से कुचलवा देता है। ब्रिजेश सिंह, हम जानते हैं कितना बड़ा बाहुबली है ब्रिजेश सिंह, राजा भैया इसी सरकार में खुलेआम घूम रहा है,
लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब योगी आदित्यनाथ की जाति से ही आते हैं। इसके अलावा चिन्मयानंद, ऐसे हजारों सैकड़ों नाम है दोस्तों जो मैं आप लोगों से गिना सकता हूं जो योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं और इस सरकार के अंदर किस प्रकार से उन्होंने आतंक मचाने का काम किया है। लेकिन इन दलाल होदी मीडिया के पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इन सारे लोगों को माफिया, गुंडा और एक जाति विशेष को टारगेट करके ये बात कह सके। क्या इन होदी मीडिया में इतनी हिम्मत है ये कहने की कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर राजपूत गुंडागर्दी करते हैं, योगी आदित्यनाथ की जाति के लोग गुंडागर्दी करते हैं? क्या ये कहने की हैसियत इन मीडिया वालों में है? नहीं दोस्तों, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ये मीडिया वाले कभी दूसरी जाति का नाम लेकर इस तरह का टैग लगाते हैं, लेकिन ये लोग बड़ी ही आसानी से यादवों के लिए इस तरह की बात कर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, मुख्यमंत्री बनने से पहले कौन थे? मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले आखिर क्या छवि थी? हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक गुंडे की थी। दर्जनों आपराधिक मुकदमे योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्ज थे, लेकिन हमारे देश के दलाल और भड़वी मीडिया की इतनी औकात नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को कुछ कह सकें, उसके लिए गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकें। तमाम दूसरी जाति में बाहुबली होते हैं। टेनी जो ब्राह्मण जाति से आता था, इसके लड़के ने सरेआम किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और अभी भी उसका बाप भारत का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, लेकिन इस देश के दलाल मीडिया ने अभी तक उसके लिए गुंडे जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही पूरे ब्राह्मण समाज को उसने गुंडा कहा। इस पूरी बातचीत के दौरान ये रिपोर्टर साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यादव जाति के लोग किस प्रकार से पिछली जातियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लेकिन मैं इस दलाल मीडिया के पत्रकार को बता देना चाहता हूं और ऐसी मानसिकता के तमाम लोगों से बता देना चाहता हूं कि यादव जाति के लोग कभी गुंडागर्दी नहीं करते हैं। यादव जाति के लोग जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाने का काम करते हैं और खास तौर पर यादव जाति कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करती है। यादव जाति ने कभी पिछले जाति के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। दूसरे वंचित समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए यादव समाज के लोगों ने हमेशा अपना लठ उठाया है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप बिहार में जाकर देख लीजिए, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी उससे पहले बिहार में दलित और पिछले समाज के लोगों के ऊपर किस प्रकार से एक जाति विशेष के लोग अत्याचार करते थे, हमने तो यहां तक सुना है। उस जमाने में हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि दलित समाज के लोग राजपूत जाति के लोगों के सामने चप्पल सर पर रखकर चलते थे, चप्पल पहनने तक की उनको अनुमति नहीं थी। राजपूत जाति के लोगों के सामने बैठने तक की अनुमति दलित समाज को नहीं थी, लेकिन बिहार में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आई तो लालू प्रसाद यादव ने दलित समाज को, शोषित समाज को, पिछड़े समाज को यह एहसास दिलाया कि तुम्हें किसी से दबने की जरूरत नहीं है, अगर कोई तुम्हारे से गलत तरीके से पेश आता है तो तुम उसको उसी की भाषा में जवाब दो, सत्ता पर मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें देख लूंगा। यादव जाति ने तो गरीब, दलित, कुचले पिछड़े लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने का काम किया है, ना कि इन लोगों के ऊपर कभी अत्याचार करने का काम किया है। दरअसल दोस्तों इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से साफ साफ निर्देश है कि वो यादवों के प्रति नफरत समाज के अंदर फैलाएं और तमाम पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके दिलों में यादवों का डर बैठा दें, उन्हें बताने की कोशिश करें कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो यादव समाज के लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब पिछले जाति के लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़ों का वोट तो लिया, लेकिन सारा काम सिर्फ एक जाति का ही किया और वो जाति है योगी आदित्यनाथ की जाति। सारे डीएम, सारे एसपी योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही जाति के बना दिए और पिछड़ी जाति को कुछ भी नहीं मिला। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात किसी और वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।